सरकार से कुछ पाने के लिए 40 वर्ष कोई संघर्ष कर सकता है किसी के साथ में? नहीं, लेकिन मैं, कल आइए, परसों आइए, कागज लेके आइए और कागज जमा कर देंगे, आपको इस हाथ से दे देंगे, आप ले के चल जाइए। इस तरह के बातें करके बहना करके हम लोग उनको भेज देते थे। कभी भी कोई भी ऑफिसर जो है कि अपना सोच करके कभी काम नहीं किया आज तक। चलना यहाँ आसान नहीं, अब हर कदम पर थक रही हूँ, अपने हैं शामिल मिटाने में मुझको, आंखों में सबकी खटक रही हूँ। इसी के साथ नमस्कार जमशेदपुर, मैं गार्गी सोशल संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे बीच एक जीता जागता उदाहरण 85 वर्षीय अविवाहित शुभ लक्ष्मी जी हैं और उनसे हम जानेंगे कि एक वृद्धा पेंशन के लिए एक उनका एक हक है वो, और अपने हक के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। आप बताइए, आप कितने वर्ष से संघर्ष कर रही हैं? आज 40 वर्ष हो गया संघर्ष कर रही हूँ मैं, 40 वर्ष से, अभी तक कुछ नहीं है, अगर आगे पता नहीं क्या होगा। हाँ, क्यों, क्योंकि जानते हैं एक मेरा इसका आत्मकथा हो गया, 40 वर्ष कोई संघर्ष कर सकता है किसी के साथ में? नहीं, लेकिन मैं सरकार से कुछ पाने के लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ। आपको अधिकारियों ने किस प्रकार का आश्वासन दिया गया आपको? कल आइए, परसों आइए, कागज लेके आइए और कागज जमा कर देंगे, आपको इस हाथ से दे देंगे, आप ले के चल जाइए। इस तरह के बातें करके बहना करके हम लोग उनको भेज देते थे। कभी भी कोई भी ऑफिसर जो है कि अपना सोच करके कभी काम नहीं किया आज तक, न करेगा। इन लोगों पता नहीं, वो जब कमल फूल वाला छाप वोट देने के लिए आया था ना, वो एक हाथ में फॉर्म लेकर के आया था एक आदमी, वो फॉर्म दे करके बोला भर दीजिए, जिस दिन बैठ जाएंगे मोदी साहब गद्दी पर उस दिन आपका हाथ भर देंगे, और आज तक हाथ खाली है। मोदी साहब कुर्सी में सटक गए लेकिन हम लोग सब रह गए खाली हाथ। इस खाली हाथ से पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, एक पैसा तो है ही नहीं, बस दिन भर सो, खाली खाली सो, खाली सो, और क्या करेंगे। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस हालत में मैं वहाँ पर गई थी नोटिफाई एरिया में, नीचे से ऊपर जाने के लिए बहुत तकलीफ हुआ था, लेकिन वो आदमी इतना नहीं बोला कि चलिए बैठ जाइए, नहीं, खड़े के खड़े रह गए हैं, खड़े खड़े काम किए हैं। ये हमारे साथ में नहीं रहती तो वो कुछ नहीं होता, ये कर रही है और हमारा ज़िंदगी चल रहा है। हाँ, कह रहे ना, इन लोगों दो समय का खाना देते हैं तो खा रहे हैं। सरकार आज 40 वर्ष से टकरा 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 करके आज 40 वर्ष का वो सरकार हम लोगों का खाना खाया, सोचिए तो, हमारे हिस्सा का खाया कि नहीं? बिल्कुल, एक आपका वृद्धा पेंशन आपका हिस्सा का आपका हक था, जो आपको आपके हक मिलने में 25 से 30 वर्ष लग गए। इतनी साल तक तो शायद लोगों की आयु भी नहीं होती, लेकिन आपने इस उम्र में भी अब तक संघर्ष किया है। और दुख किए हम पेंशन के लिए, करंडी बोलने से करंडी गए, स्टेशन बोलने से स्टेशन गए, और एक बार जुक्सले गए, कहीं पर कुछ नहीं हुआ, आखिर यहाँ पर भी गए और यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। जैसा कि आपने, आप देख रहे होंगे कि इनके हाथ इतनी संघर्ष के बाद भी एक निराशा हाथ लगती है। और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा हमने सुना कि आप वृद्धा पेंशन के लिए गए थे और आपको उन्होंने विधवा पेंशन के लिए फॉर्म भर दीजिए कहा था, आप बोल दीजिएगा ऐसा? हम लोग झूठ बोलने वाले नहीं हैं, झूठ बोल के क्या लेना है, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, झूठ झूठ के पक्ष में जाना भी नहीं चाहिए। अब आप देखिए कि किस तरह से अधिकारियों ने इनको एक तरह से टालने के लिए विधवा पेंशन की जगह वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर दीजिए कहा,
और इस तरह से इन्होंने अपनी एक कहा जाए तो एक मिसाल हो आप कि आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने इनका साथ दिया इस उम्र में भी। 85 वर्ष कम नहीं होता आज के टाइम पे, आपने करीब 25 से 30 साल एक अपना हक के लिए आप संघर्ष करती आई हैं। वो यहाँ जब गए हम लोगों तो बोला आप लोग जो है कोई बैंक में इनका खाता खुलवा दीजिएगा, हम लोग तुरंत भर देंगे। बोला वही बोले यहाँ का आदमी तो ठीक है, बेचारी खाता खुलवाई लेकिन खाता में आज तक सरकार का एक अंक भी नहीं चढ़ा। अरे हम तो संतुष्ट पा जाएंगे लेकिन वो जो पासबुक है ना वो सोचा कि सरकार का एक संख्या जो है हमारे ऊपर में पड़ेगा, नहीं आज तक वो बुक में भी नहीं एक पैसा नहीं चढ़ा। सरकार जिसके पास में है जो खा रहा है उसी को और दे रही है, लेकिन जो नहीं खा रहा है उसको कुछ नहीं। ओ हम लोग में एक छोटा सा कहानी है हम आपको बता रहे हैं, वो कहानी को दोहरा। एक बोलते हैं एक घर के सामने में एक भीख मंगा आया, माँ भिक्षा दो, 4 दिन से खाना नहीं खाए हैं, 4 दिन से भूखे हैं। तब तक एक दूसरा भिक्षु आया वहाँ पर, अरे माँ अरे कल से हमको खाना नहीं मिला, हम मर जाएंगे इसीलिए हमको खाना दो। माँ एक आदमी का खाना लेके आई और जो एक दिन का नहीं खाया है उसको खिलाई, तो जो 4 दिन से नहीं खाया वो बोला अरे अरे हम 4 दिन से नहीं खाएं, आपसे मांग रहे हैं तो आप, अरे तुम 4 दिन तो बर्दाश्त कर लिया ना और 1 दिन तुम ही बर्दाश्त कर लो। वो बेचारा 1 दिन का है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये कहानी हमारे मोदी साहब जो हैं लिखित करके टांग देते ना बहुत अच्छा रहता है पेंशन वालों के लिए। जो 4 दिन का नहीं खाया वो और आदत लग गई हमने उनको, और 2 दिन और रह जाएंगे, लेकिन जो 1 दिन नहीं खाया उसको खाना खिलाए। यही न्याय, न्याय जो है यही पे है, यही न्याय से चल रहा सरकार हमारा। अब क्या बोलेंगे उससे ज़्यादा हम आपको, हमारा पेंशन का आत्मकथा आपको सुना दिया और क्या बोलिए। अधिकारियाँ हो या सरकार हो, हक उन्हीं को मिलता है जिनके पास में सोर्स हो, पैरवी हो, उनको ही हक मिल पाता है। लेकिन आम जनता जैसा कि हम देख रहे हैं इनके पास ना तो कोई सोर्स था ना कोई पैरवी था, ये अपने हक के लिए दर दर भटकते रहे हैं। 40 वर्ष से ये भटक रहे हैं और आज जा करके 85 वर्ष के उम्र में इनको पेंशन मिला है। हाँ। इतने दिन तक तो लोगों की आयु भी नहीं बचती है। अब कितना दिन खाएंगे, अभी तो अब खा नहीं सकेंगे ना, अब चरम सीमा पर खड़े हैं, डगमगाएंगे तो गिर जाएंगे, ख़त्म हो गया और बाकी सब बच जाएगा ना फिर सरकार को। अरे सरकार को सोचना चाहिए, जहाँ 60 साल हुआ है वहाँ पे पेंशन उनका चालू कर देंगे, नहीं है। आज हमको 85 वर्ष हो रहा है तब जाके 1 महीना का देगा, वो खाएंगे नहीं खाएंगे बात बराबर है। हाँ उसको क्या खाए, उसका क्या खाएँ, कुछ नहीं, वो क्या दिया कुछ नहीं। यही तो है नीति, सरकार का नीति यही है, सरकार का यही नीति है, यही नीति से चल रही है सरकार, चाहे जो भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कम्युनिस्ट का हो, चाहे ये कमल छाप का हो, जो भी हो, यही नीति पर कुर्सी, उनका कुर्सी यही कहता है यही काम करो और ऐसे ही चलाओ सबको। तो देखिए हमारे बीच ऐसी ही एक और महिला है, हम उनसे भी जानेंगे उनके साथ किस तरह की परेशानियां हो रही है। आप अपना नाम बताइएगा। मोती श्री। अच्छा आपने फॉर्म भरा है वृद्धा पेंशन के लिए? जी भरे हैं। कितने दिन पहले भरा आपने फॉर्म? नवंबर में भरे। अब तक 20 में 20 को। अब तक आपको कोई भी आश्वासन कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं। आपके साथ भी एक निराशा ही आपके हाथ लगी है जी। कितना उम्र हो गया आपका? ये तो 77 से। देखिए इनका भी वर्ष 77 साल हो गया है और इनका भी वर्ष 77 साल हो गया है, तब तो क्या इन्हें भी वृद्धा पेंशन का लाभ
80, 85 या 90 साल होने पे मिलेगा? क्या यही हमारी सरकार है? क्या यही हमारे अधिकारी है? क्या यही हमारी सिस्टम है कि वृद्धा पेंशन जो इन लोगों का एक हक है, इन्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और सिर्फ निराशा इनके हाथ लग रही है। देखिए किस तरह से आम जनता दर दर भटक रही है, कार्यालयों के चक्कर लगा रही है, वो भी अपने हक के लिए वो दर दर भटक रही है। इन्हें अपना हक नहीं दिया जा रहा है, अधिकारियाँ सिर्फ इधर से उधर उन्हें भटकाते रह जाते हैं। क्या यही हमारी सरकार है? क्या यही हमारी सिस्टम है? ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे, आप ग्राउंड पर निकलेंगे तो इनके जैसे ना जाने कितने लोग आपको मिल जाएंगे, इस तरह से अपने हक के लिए भटक रहे हैं, और कितने लोगों की तो आवाज़ तक नहीं पहुंचती होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से अब हमारी कोशिश जारी रहेगी कि इस तरह से आम जनता को दर दर अपने हक के लिए ना भटकना पड़े और उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँच पाए। इसी के साथ हम किसी अन्य टॉपिक पे जुड़ेंगे, तब तक आप देखते रहे सोशल संवाद न्यूज़, जमशेदपुर, झारखंड।